नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है अपना जो दो शेड हैं, नट ब्राउन और ब्राउन कैसे बनता है। तो आज उसके बारे में अपन सीखेंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो में और जानेंगे ये दोनों कलर कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर लिया है एशियन पेंट का एस इमल्शन, जो एक्सटीरियर पेंट है उसका कुछ सैंपल लूँगा मैं। उसके बाद अपन इसमें मिलाएंगे फास्ट ब्लैक, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। फिर इसके बाद मिलेगा इसमें फास्ट रेड, और तीसरा कलर जो हमारा इसमें मिलेगा वो होगा फास्ट येलो। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों कलर मिला के अपन नट ब्राउन और ब्राउन कलर दोनों कलर इस बार बनाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक करिए और अपने दोस्तों का शेयर करिए, ताकि आने वाले और जो अच्छे अच्छे वीडियो हैं वो आप मिस ना कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो अपन सैंपल ले लेंगे अपन एशियन पेंट एस का, और स्टेनर मिलाने से पहले आप उनको थोड़ा सा शेक कर लिए, हिला लीजिए, ताकि जो जमा हुआ माल हो वो खुल जाए और आपका कलर अच्छी तरह से बनकर बाहर आए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है वाइट, और उसके बाद अपन इसमें मिलाएंगे स्टेनर जिससे कलर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वाइट ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिलाऊँगा ब्लैक स्टेनर, जो अपनी फास्ट ब्लैक होती है। आसानी से आप घर पर ये सारे कलर बना सकते हो। और उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने मिला ये फास्ट येलो, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैं मिलाऊंगा यहाँ पर फास्ट रेड। इन तीनों कलर को मिलाने से अपना जो कलर तैयार होगा वो होगा नट ब्राउन। ठीक है दोस्तों, तो पहले नट ब्राउन तैयार करेंगे, और इसी के अंदर अपन करेंगे ब्राउन, जो कि नट ब्राउन से थोड़ा डार्क होगा। अगर आप एग्जैक्ट कलर चाहते हो कि मुझे जो ब्राउन ऑयल पेंट आता है उसी तरह का चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा टर्की अंबर भी मिला सकते हो। टर्की अंबर मिलाने से आपका एग्जैक्ट शेड भी आ जाएगा। मेरे पास अभी टर्की अंबर का स्टेनर था नहीं, तो मैं आपको इन तीनों से जो कलर बन रहा है वो बना के बता रहा हूँ। वैसे आपका काम इन तीनों स्टेनर से भी चल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका नट ब्राउन कलर हो गया। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा मैं। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर आप 20 लीटर 10 लीटर की बकेट में कलर बना रहे हो, तो आप स्टेनर हो सके उतनी कम डालो पहले, और उसको मिक्स करते रहो। उसके बाद ही आप, अगर आपको लगे एक और ज़रूरत है, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी सी और मिलाते रहो, ताकि आपका जो कलर है वो बिगड़े नहीं और अच्छी तरह से आप यूज़ कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए नट ब्राउन कलर आपका तैयार हो गया है, थोड़ा सा डार्क हो गया है। इस बात का आप खास ध्यान रखें, इसलिए मैंने बोला कि आप मिलाते समय ध्यान रखें। और इसमें से थोड़ी सी फास्ट ब्लैक मैं और मिला दूँगा, जिससे अपना ब्राउन कलर बन जाएगा। इसमें आप ऑप्शनल है, अगर ऑप्शनल नहीं, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल टर्की अंबर भी इसमें डालिए, ताकि आपका कलर और एक निखर के आए और ज़्यादा अच्छा बने। ये देखिए दोस्तों, कैमरे में शायद आप कलर को अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हो, पर रियलिटी में जो कलर बनता है वो परफेक्ट बनता है, एग्जैक्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पहले बनाया मैंने वो था आपका नट ब्राउन, और अभी जो बन रहा है ये बना आपका ब्राउन कलर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले किसी एक वीडियो में, और आपको किसी और कलर की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी